जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास। भाई आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, होली मना ली होगी भाई, ठीक है? और मेरे ख्याल में अच्छी गई होगी आप लोगों की भाई होली, और भगवान करे आपको सब खुशियाँ मिले भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी जारी हुई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा नंबर है? मतलब ये कि ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाए कि लोग कितने खुशहाल हैं, अपनी जिंदगी में कितने खुशी से रह रहे हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो पहली आपकी रिपोर्ट जारी करी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भाई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। रिपोर्ट जो आपकी 2022 जारी हुई है, इसमें भारत का स्थान भी, भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी कि भारत के लोग कितने खुश हैं, उसके ऊपर ये बात होगी। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कितने लोग जिंदगी के अंदर खुश हैं, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम भारत का नंबर, भारत ने कुछ सुधार किया अपनी रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले विश्व में भारत का जो नंबर रहा है, इसमें भारत की जो नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो भारत अब तो 136 वा नंबर, इसका कौन सा 136 वा नंबर है। खराब हालत है वैसे भाई, अच्छी हालत है नहीं, ठीक है? मतलब खुशहाल जिंदगी में भारतीय लोगों का स्थान 136 वा है। रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। हैप्पीनेस रिपोर्ट सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा, सतत विकास जो संसाधन नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे कौन करता है, यूएनओ की तरफ से कह सकते हैं हम इसको। हाल ही में जो रिपोर्ट दी गई है, और इसमें पहला स्थान, ये हमने कर लिया किसकी बात भाई, पहला स्थान। बहुत सारे मानक होते हैं इसमें, बहुत सारे मानकों के ऊपर ये एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो 2022 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार हम 136 नंबर पर हैं। भारत की अगर हम बात करें, पहले स्थान की अगर हम बात करें, तो लगातार पांचवी जो बार है आपका, कौन बना, फिनलैंड पहले नंबर पर अभी, पहले नंबर पर, पहली रैंकिंग के अंदर कौन है, फिनलैंड पहले नंबर पर है, ठीक है? चलिए, और पांच बार से लगातार ये ऐसा हो रहा है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें, पहले पे ये दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क का रहा भाई, डेनमार्क कुछ नंबर पर आपका दूसरे नंबर पर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्विट्जरलैंड वगैरह, ये सारे के सारे यहां पर रहेंगे, ठीक है? ओके, इस रैंकिंग के अंदर अगर हम लास्ट में बात करें, लास्ट तो आपका अफगानिस्तान भाई, अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर कौन आपका, अफगानिस्तान है। यहां पर रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हालांकि ये रिपोर्ट जो आपकी इस वार से पहले तैयार कर ली गई थी, जो वार अभी चल रहा है, जिसका कि आज 24वां दिन है, और भयंकर रूप धारण करे हुए रूस यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, तो मे बी 99% आपका वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखेंगे। तो रूस की अगर हम बात करते हैं, तो रूस आपका 80वें नंबर पर है भाई, और यूक्रेन जो हैप्पीनेस, यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो ये 98 नंबर पे था भाई, 98 सॉरी। परंतु ध्यान ये रखना है कि ये जो रिपोर्ट है, ये युद्ध से पहले की है, युद्ध से पहले की है, जो अभी चल रहा है, उसका 24वां दिन है। युद्ध का कौन सा दिन है, 24वां दिन है वार, और रूस और यूक्रेन की अगर हम बात करें, तो 24वां दिन है, ठीक है? ओके, इसमें हम बात करते हैं टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें, अलग अलग पैमानों पर यह रिपोर्ट जारी करी जाती है, आपको पता है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं हमारे जो पड़ोसी देश है, एक बार उनसे ले लेता हूँ, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान कब से खुश रहने लगा, फिर भी वो हमसे आगे खड़ा है 121वें नंबर पर भाई। मुझे रिपोर्ट पे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पाकिस्तान वाले कैसे खुश हो सकते हैं, जहाँ वहाँ लोकतंत्र है, ना लेना है ना देना, महंगा इतने आसमान पे, और हमारे को बोल रहे हैं कि आप 136वें नंबर पे हैं। पहले हम कितने नंबर पे थे, 139 थे, पहले हम 139वें नंबर पे थे, और हमने इसमें 3 का सुधार किया, पहले हम 139वें नंबर पे थे, यानी कि पिछले साल अगर 2021 की बात करें, तो 2021 में भारत कौन से नंबर पर था,
तो ये भारत आपका 139 नंबर पे था। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान चीन, उसके बाद चीन की बात करें तो चीन आपका 94 नंबर पे है, ये भी हमसे आगे है। अभी बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश तो बांग्लादेश वाले भी हमसे आगे हैं, ये आपके 72वें नंबर पर है, 72वें नंबर पर हैप्पीनेस में। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं जो लास्ट नंबर पर 146 नंबर पर आपका अफगानिस्तान है, और 145वें नंबर पर आपका कौन है, जिम्बाब्वे। यानी सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें तो कौन आपका, जिम्बाब्वे कौन से नंबर पर आपका 145, और 144 पे रवांडा है, 144 तो आपका ये रवांडा है, कौन आपका रवांडा आपका 144 पे। ठीक है, चलिए देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें हमने, सतत विकास, सॉरी भाई माफी चाहूंगा दोस्तों, सॉरी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं हम। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी अभी आई है 2022, इसमें भारत का नंबर कौन सा नंबर है, भारत का 136 नंबर है, पहले 39वें नंबर पे था, पहले 39वें नंबर पे था। उसके बाद बात करें पहले नंबर पर कौन आपका, फिनलैंड है, पहले नंबर पर फिनलैंड है, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड वगैरह है, तो दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क का है, फिनलैंड पांचवी बार पहले नंबर पे आए, लास्ट नंबर पर आपका कौन है, अफगानिस्तान है, रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस आपका 80वें, यूक्रेन 98वें नंबर पर, पाकिस्तान की बात करें 121वें नंबर पर है, साथ ही बांग्लादेश और चीन ये भी हमसे हमारे पड़ोसी देश भी आगे हैं। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो 146 पर आपका अफगानिस्तान है, 145 पर आपका जिम्बाब्वे, और रवांडा 144 पर आपका रवांडा है। ये थी आपकी सतत विकास के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे। यदि साथ ही हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, विश्व खुशहाल दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसे कब मनाया गया था, तो 2013 में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में पहली बार इसे मनाया गया था, 2013 में पहली बार मनाया गया था, हैप्पीनेस डे को मनाने की शुरुआत करी थी, और इसमें प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में 20 जुलाई को, आपका कह सकते हैं 20 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है भाई, चलिए ये था आपका क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अभी हाल ही में आपका कल्पना चावला जयंती मनाई गई, क्या मनाया गया आपका, एक मैं इसको रफ कर दूं भाई, चल चल जाएगा काम भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कल्पना चावला जयंती कब मनाई गई। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कल्पना चावला जयंती मनाई गई। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है भारत की तरफ से अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला थी, और दूसरी बार जब कोलंबिया विमान आ रहा था नीचे तो 16 मिनट पहले पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्रैश हुआ, और इनके साथ 6 लोगों की और लोगों की मृत्यु हो गई। इनके पास जो नागरिकता की बात करें, वैसे बेसिक मूल रूप से हरियाणा के करनाल के रहने वाली हैं, और बेसिक रूप से इन्होंने बाद में नागरिकता जो धारण करी कहाँ की करी, यूएसए की। तो चलिए इसके ऊपर हम एक बार थोड़ी सी बात कर लें, 17 मार्च 2022 को होली वाले दिन की अगर हम बात करें, पहली महिला अंतरिक्ष की, जो पहली महिला आपकी पहली महिला अंतरिक्ष जो यात्री कल्पना चावला, कौन है, कल्पना जो चावला है, इनकी जयंती मनाई गई। चावला की जयंती कब मनाई गई, तो कल्पना चावला की जयंती 17 मार्च 2022 को मनाई गई है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है रहने वाला है। ठीक है, ओके, 1 फरवरी 2003 को स्पेस सेटलर क्या था, 1 फरवरी इनकी जो मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था, 1 फरवरी 2003 को कौन से, तो स्पेस सेटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय इसकी जो स्पेस सेटल यान पूछ लेते हैं, तो स्पेस सेटल कोलंबिया जिसका कि कौन सा अभियान था, ये 28वां अभियान था इसका, 28वां अभियान था, और 16 मिनट पहले ये क्या हुआ, ये क्रैश हो गया, और इनके साथ कल्पना चावले के साथ 1+6 यानी कि 6 लोगों की औरों की भी मृत्यु हुई, यानी कि कुल 7 लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई है कल्पना चावला के साथ।
ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। धर्म की बात करते हैं, 17 मार्च 1962 में, 1962 में कहाँ पर, करनाल हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा में, हरियाणा में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो कल्पना चावला की बात के लिए देखिए, एक बार दोबारा से सुनिए, 17 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई है। भारतीय पहली अंतरिक्ष से हैं और नागरिकता इनके पास कहाँ की थी, तो ये यूएसए की नागरिकता थी, नासा के अंदर काम कर रही थी। यह कल्पना चावला जो है, जिनका संबंध था मूल रूप से 17 मार्च 1962 को हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ, हरियाणा में भी क्या करना, स्पेस सेटलर कोलंबिया, जिसका कि 28वां अभियान था। अभियान की अगर हम बात करें, पूछ लेगा कौन से अभियान पर था स्पेस सेटलर, कल्पना चावला ना पूछ करके आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि स्पेस सेटलर जो कोलंबिया था, ये कौन विमान कौन से अभियान पर था, तो 28वें अभियान पर था। और 16 मिनट पहले पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने से पहले क्या हो गया, क्रैश हो गया। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कल्पना चावला ने अपना करियर, कल्पना देखिए भाई इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, याद रखेंगे, देखिए कल्पना चावला ने जो कल्पना जी हैं, कल्पना ने कब शुरू किया था भाई, तो इन्होंने 1988 में नासा में अपना कैरियर शुरू किया था। कब भाई, 1988 में इन्होंने नासा में अपना कैरियर शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। अप्रैल 1991 में इन्होंने नागरिकता, 1991 अप्रैल में इन्होंने क्या ले ली, नागरिकता। नागरिकता की अगर हम बात करें, नागरिकता कब ग्रहण करी इन्होंने, तो 1991 में कहाँ की, यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर ली इन्होंने, 1991 में नागरिकता ग्रहण कर ली। 17 नंबर उनका पहला अंतरिक्ष मिशन, 17 नवंबर 1997 पहला अंतरिक्ष मिशन, पहला पूछे तो 17 नवंबर 1997 में इन्होंने इनका पहला क्या था भाई, 17 नवंबर 1997 का में इनका पहला अंतरिक्ष मिशन था, ये भी ध्यान रखेंगे। पहला अंतरिक्ष अगर मिशन पूछे तो ये भी इनका यहीं पे, ठीक है भाई, ओके। और ये उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखेंगे। एक नाम वो इसके साथ ध्यान रखेंगे, सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की थी, ध्यान रखेंगे। सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा करी है बाद में, ठीक है। चलिए 16 जनवरी 2003 को ये दोबारा से दूसरे अभियान में थी। कब, 16 जनवरी 2003 को दूसरे अभियान पर थी, दूसरे अभियान पर कब थी, 16 जनवरी 2003 को। इनका दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए जो चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था, अंतरिक्ष यान के लिए दोबारा से चुनाव की अगर बात करते हैं, तो ये 2000 के अंदर इनका नाम आ गया था कि दोबारा से अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये थी आपकी क्या, कल्पना चावला, जिनकी जयंती मनाई गई थी, एक अंतरिक्ष यात्री थी, और बड़े ही गर्व के साथ इस बेटी ने भारत का नाम किया, और जहाँ की नागरिकता ली वहाँ का भी नाम किया। बैड लक हमारा ये है कि भाई ये हमारे बीच में अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलते रहेंगे, अभी आपकी होली भी जा चुकी है, अभी आपकी मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूँ तो किसानों का सबसे बड़ा पर्व है लावणिया, वो भी सरसों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में वो भी हो चुकी हैं। अब आप बाहर आ जाएंगे अपने इस मेंटेलिटी से कि अब ये करना है वो करना, अब तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ ठीक है भाई। हाँ एक चीज़ तो आ रही भाई, अभी गर्मी आ रही है, अब तुम्हारे पास काम ना करने के तो ना पढ़ने के तो हजारों बहाने हैं, तो इसमें एक बहाना आप ये भी शामिल कर सकते हैं, एडवांस में बहाना बता दिया मैंने ना कि अब गर्मी में घर से कौन निकलेगा। ना जो करेगा वो पाएगा भाई, ये तो है, बाकी आप लोगों की इच्छा भाई, हमारी तरफ से हम अपना पूरा प्रयास रखेंगे, उज्ज्वल परिवार की तरफ से हमने तो अपनी तरफ से कोई छुट्टी करी नहीं अभी। चले भाई, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पर हम इसकी इसरो की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष जो कम एजेंसी उसकी बात कर लेते हैं, जब अंतरिक्ष के ऊपर बात चली है तो अंतरिक्ष एजेंसी कौन आपकी, इसरो है। इसरो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर, इसरो का हेडक्वार्टर बंगलोर, मुख्यालय कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर भाई, ठीक है। स्पेस एजेंसी की अगर हम बात करते हैं, चलो इसरो की एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। इसरो स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना तो 15 अगस्त 1969 में स्थापना भाई इसरो की, ठीक है। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर भाई, बेंगलुरु, ठीक है। इसरो की एक बात करें तो ये क्या अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी, ये पूछे तो ये भी अपनी यही है। इसका आदर्श वाक्य, इसरो का आदर्श वाक्य, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई। आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव
जाति की सेवा में, की सेवा में, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या आएगा आपका, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष, मानव जाति की सेवा में कह सकते हैं, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श वाक्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहले सैटेलाइट की बात करें। इन्होंने पहला जो आपका सैटेलाइट है वो कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट छोटा था, किसके द्वारा भी, रूस की सहायता से। कब भाई आर्यभट्ट, तो 19 अप्रैल 1975 को पहला, भारत का पहला उपग्रह भाई, उपग्रह अगर हम बात करें भारत का पहला उपग्रह तो आपका 1975 में आर्यभट्ट। ठीक है, भारत निर्मित पहला उपग्रह अगर पूछ रहे, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भारत निर्मित, निर्मित अगर भारत निर्मित यानी कि भारत में बना हुआ पहला उपग्रह तो रोहिणी हो जाएगा भाई आपका, रोहिणी कौन है आपका, रोहिणी है। ठीक है, ओके हाँ, रोहिणी भाई आपका। साथ ही हम बात करें कब छोड़ा गया था, ये 1980 में। और भारत निर्मित विमान की अगर बात करें, विमान अगर हम बात करें या उपग्रह ले जाने वाले उसकी बात करें, प्रक्षेपण यान की, तो प्रक्षेपण यान भारत निर्मित पहला प्रक्षेपण जो आपका यान है, प्रक्षेपण यान कौन आपका, SLV जो 3 है ये भी पहला ही है। कब, ये भी 1980 में। प्रक्षेपण यान की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका SLV 3 है, भारत निर्मित भी, भारत निर्मित। बड़ा ही अच्छा बेहतरीन डाटा है, पूछ लेगा आपसे। ठीक है, पहला जो था इसने 5 दिन काम किया था, उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक है, 5 दिन काम करने के बाद क्या हो गया, ये बंद हो गया। और वैसे दूसरा उपग्रह छोड़ने की अगर हम बात करते हैं पहला ये, तो दूसरा 7 जून 1979 में पृथ्वी की कक्षा में, कहाँ पर, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था, स्थापित किया था। तो इसका वेट था 4.2 kg, इसका क्या था, वेट था। देखिए हमने यहाँ पर बात करी भाई आपकी, हमने यहाँ पर बात करी कि इसरो जो है भारतीय, हमने एजेंसी कल्पना चावला से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था कि कल्पना जो चावला थी भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। उनका जो जन्म था 69 में जन्म हुआ था उनका, कहाँ पर, करनाल हरियाणा के अंदर जन्म हुआ था। मूल रूप से वो हरियाणा की थी, भारत की थी कह सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने नागरिकता हासिल करी कहाँ की, नासा के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ, नासा में उन्होंने काम किया। और वो 2 बार कहाँ पर गई, अंतरिक्ष के अंदर गई। जब अंतरिक्ष की बात आई तो हमने बात करी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नाम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। इसरो की अगर हम बात करते हैं स्थापना की, अगर 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर, अंतरिक्ष एजेंसी है। ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाएगा आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। पहला उपग्रह इन्होंने आर्यभट्ट छोड़ा, आर्यभट्ट रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। वही का उपग्रह की बात करते हैं, पहला भारत निर्मित तो उपग्रह रोहिणी है। और विमान अगर 1980 में, विमान प्रक्षेपण यान की बात करें तो SLV 3 है, 1980 में ये पहले थे। अगर हम दूसरे उपग्रह की बात करते हैं, दूसरा सैटेलाइट हमने कब छोड़ा है, तो इसको हमने छोड़ा 7 जून 1979 में इसको हमने छोड़ा है। ठीक है भाई, ओके। पहला उपग्रह हमारा द्वारा ये बढ़ता 5 दिन काम किया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। बेहतरीन क्वेश्चन था आप लोगों के लिए और 2022 में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आती है बात रुपए पैसे की, बात चली तो गिरावट आई है रुपए पैसे में, तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। भारत का विदेशी जो जो आपका मुद्रा भंडार है, गिरावट दर्ज करेगी, कितनी गिरावट दर्ज करेगी विदेशी, विदेशी कहाँ का भाई, भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडारण है, भंडारण पहले हमने इसको बात करी थी तो बढ़ा था, कितनी गिरावट दर्ज की, भंडारण में कितनी गिरावट हुई, कितनी गिरावट दर्ज की गई, गिरावट दर्ज की गई, गिरावट यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि जो हमारे पास विदेश का जो आपका पैसा हमारे पास जो बैंकों में जमा है, कहीं हमारे पास कुल मिला के टोटल किसी भी प्रकार से जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गिरावट हुई है। गिरावट का कारण आप लोगों को मालूम है, होना भी चाहिए। ठीक है, एक बार इस पर बात करते हैं। देखिए 11 मार्च जो सप्ताह खत्म हुआ था, 11 मार्च जो सप्ताह था अपना पिछला सप्ताह में गिरावट दर्ज थी, रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज हुई है भाई। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी आई है, तो ये देखेंगे, भारत की विदेशी जो मुद्रा भंडारण है पूछ लेगा, क्योंकि ये विशेष इसलिए किसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, ध्यान रखेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडारण में जो कमी आई है, भंडारण में कमी कितनी की आई है वो देखने लायक बात है, तो कमी आई है आपकी 9.65 बिलियन जो डॉलर है उसकी कमी आई है, 9.6 बिलियन डॉलर की क्या ये कमी आई है
ध्यान रखेंगे विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाला, जो कि आप टोटल की बात करें कितने पर अभी फिलहाल भारत के पास कितने है विदेशी मुद्रा, तो ये आपका 275 अरब डॉलर है। अब इतना घट करके कितना पहुंच गया ये आपके बीच में, तो ठीक इतनी इसको इसमें प्लस करेंगे और ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी गिरावट है। आइए अगर विदेशी भंडारण की अगर हम बात करें, विदेशी भंडारण की बात करें तो भारत का नंबर विश्व में, भारत का नंबर जो विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से नंबर पर है, तो भाई आपका ये फोर्थ नंबर पर है। ध्यान रखेंगे चौथे नंबर पर है विदेशी इसमें, और पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आपका चीन है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका यूएसए है। ठीक है, चलिए ये ऐसा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है, फोरेक्स रिजर्व या आरक्षित नियम का भंडार भी कहा जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार इसे क्या कहा जाता है दूसरा, तो आपका फोरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। पूछ लेगा सीधा कि जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार उसे दूसरे किस नाम से, तो फोरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट थोड़ा भाई, इसने पिछले दो वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट, नोट डाल के लिख लेंगे नोट, तो हर सप्ताह या दूसरे सप्ताह में हो रही है भाई आपकी, तो पिछले दो वर्षों में, पिछले इतना तो कोरोना में भी नहीं डूबे भाई हम जितने हम डूब गए, पिछले दो वर्षों में सबसे ज्यादा गिरावट, पिछले दो वर्षों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई आपकी अब भाई। ठीक है, चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है भाई। ठीक है, चलो भाई अभी बात करते हैं, हाल ही में आपका एक मेला लग रहा है, देश का प्रसिद्ध मेला लग रहा है, क्राफ्ट जो मेला लग रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्राफ्ट बोलते ही समझ गए होंगे आप लोग कि किसके द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है, तो हरियाणा में सूरज कुंड मेला आपका लग रहा है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगा है, तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार है, यहाँ दो तीन क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है 2022 में, खास करके जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपका। ठीक है, चलो भाई सूरज कुंड मेला क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका, सूरज कुंड जो मेला है, कुंड मेला कहाँ लग रहा है, कहाँ मेला कहाँ लगाया जा रहा है। ठीक है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, सूरजकुंड मेला आपका कहाँ लगाया जा रहा है, तो इसका आंसर ले लेते हैं, तो ये आपका फरीदाबाद बोले तो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा 19 मार्च से ये आपका स्टार्ट हो रहा है मेला, पूरा शुरू हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले जो मेला है कौन से नंबर का लगाया जा रहा है आपका 35वां मेला लगाया जा रहा है, सूरजकुंड मेला क्राफ्ट मेला, किस प्रकार का मेला भैया आपका, ये क्राफ्ट मेला है, क्राफ्ट मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, प्रसिद्ध मेला है, कौन से नंबर का 35 मेला कब लगाया जा रहा, 19 मार्च से लगाया जा रहा भैया आपका, ये 19 मार्च 2022 से इसका स्टार्टअप हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यहाँ पर कला दिखाई जाएंगे भाई, मेला हर स्टेट अपनी कला यहाँ पर दिखाता है, तो यहाँ पर जो कला के लिए, जो शिल्प कला के लिए, जो क्राफ्ट कला के लिए जो मेला लगाया गया है आपका, तो 19 मार्च को यहाँ पर लगाया गया है, यह मेला 4 अप्रैल तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा, 19 मार्च से और आपका 4 अप्रैल तक यहाँ पर चलेगा भाई। कल इसका 19 मार्च को इसका उद्घाटन कर दिया गया, हरियाणा के जो कौन है राज्यपाल, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय द्वारा इनका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहेगा कि इसका, इस मेले का उद्घाटन किसने किया था, तो राज्यपाल हरियाणा के जो गवर्नर हरियाणा के, इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। कब से कब तक लगने वाला आपका, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये लगने वाला है, और साथ में कौन थे, साथ में बंडू दत्तात्रेय के साथ में कह सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर शामिल थे। फरीदाबाद के अंदर आपका ये मेला लगाया जा रहा है, 2 साल बाद, हर वर्ष लगता है लेकिन इस बार कोविड के चलते कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आपका ये मेला लगाया जा रहा है, 2 वर्ष बाद मेला लग रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ओके साथ ही हम बात करें इस वर्ष मेले में जम्मू और कश्मीर थीम स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका कि थीम स्टेट कौन सा है तो आपका जे एंड के कह सकते हैं आप यूटी जो आपका जम्मू और कश्मीर आपका थीम स्टेट के नाम से इसको दिया गया है इस बार भी थीम स्टेट कहा गया है इसमें हस्तकला के माध्यम से अनूठी संस्कृति कह सकते हो और पार्टनर देश थीम स्टेट जे एंड के पार्टनर एक देश पार्टनर बनाया जाता है कौन आपका उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान आपका क्या है ये वही उज्बेकिस्तान है जहां पर ताशकंद समझौता हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर कह सकते हैं वहीं पर हमारा किसके हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी क्या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है। यह मेला कब से कब तक जनता के लिए आम जनता की अगर हम बात करें तो जनता के लिए ये कब से कब तक आपका तो 12:30 से लेकर के और ये आपका 9:30 तक रात 9:30 तक खुला रहेगा आम पब्लिक के लिए ये भी आप लोग ध्यान रखें। सूर्य कुंड मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है ये आप लोगों को मालूम है। थीम स्टेट का चुनाव प्रत्येक वर्ष देश के प्रत्येक राज्य की कला भोजन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए थीम स्टेट क्या उस राज्य की कला की कला संस्कृति और भोजन आदि को बढ़ावा देने के लिए कला संस्कृति भोजन आदि को बढ़ावा देने के लिए थीम स्टेट का चुनाव किया जाता है प्रत्येक वर्ष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी थोड़ी सी भाई अपने फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। देखिए फरीदाबाद के अंदर 3500 एक बार स्कूल वाइज करें देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में 3500 नंबर का सूरज कुंड मेला लगाया जा रहा है। हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय साहब इसका क्या उद्घाटन कर रहे हैं साथ में हमारे सीएम साहब मनोहर खट्टर साहब भी वहां पर थे। थीम स्टेट की बात करें तो जे एंड के है साथ ही हम यहां पर बात करें इस बार ये 2 वर्ष बाद लगा हर वर्ष लगता आपका क्राफ्ट मेला यहां कला संस्कृति दिखाई जाती है पूरे देश की और इसके इसमें कम से कम 20 देश भाग ले रहे हैं साथ में पूरे जो हमारे यूटी और राज्य इसके अंदर क्या लेते हैं भाग लेते हैं। कहां पर लगाया जा रहा है आपका ये फरीदाबाद के अंदर लगाया जा रहा है ये आप लोग ध्यान रखेंगे फरीदाबाद के अंदर लगाया जा रहा है। इसके अंदर जो 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं नोट डाल के लिख सकते पूछ ले कितने देशों ने भाग लिया तो 20 से अधिक जो देश हैं इसके अंदर भाग लिया है ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार बनेगा। और पार्टनर देश की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान का इसका पार्टनर रहा है। फरीदाबाद करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फरीदाबाद विस्थापितों के लिए शहर बसाया गया कौन सा था आपका फरीदाबाद विस्थापित कौन सा जो 1947 में पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए हरियाणा में जो शरण देने के लिए जो जगह बनाई थी वो कहां पर फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा के अंदर रहने लायक जगह की अगर हम बात करते हैं रहने लायक जगह जो मानी गई है वो भी आपकी क्या है फरीदाबाद है। यहाँ पर जो भी हब भी है आपका कहां पर भाई फरीदाबाद के अंदर क्या आपका औद्योगिक हब भी है ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व तो ये भी कहां पर आपका हरियाणा के अंदर तो फरीदाबाद के अंदर है। सबसे ज्यादा रोडों का घनत्व अगर हम बात करें तो ये भी आपका फरीदाबाद में जनसंख्या की बात करें तो वो भी छोटा है क्षेत्रफल में छोटे की बात करें तो वो भी आपका फरीदाबाद है। ये था आपका भाई क्या फरीदाबाद। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहने वाला है और इसको बड़े विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे भाई क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। एक बार रफ कर लो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन अभी शिखर सम्मेलन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके साथ और हमारा जापान के साथ और इससे पहले कहा 2018 में टोक्यो के अंदर हुआ था तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है इसके ऊपर भी हम एक बार बात करेंगे और फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भैया आपका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे भारत जापान का शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है जो चर्चा करें सीधी सी बात करें भारत और जापान का शिखर सम्मेलन हो रहा है 2+2 वार्ता की भी यहां पर बात करूंगा थोड़ी सी मैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये दिल्ली के अंदर हो रहा है कहां पर हो रहा है दिल्ली में हो रहा है ठीक है दिल्ली दिल वालों की मुंबई पैसे वालों की तो कहां पर हो रहा है आपका ये दिल्ली के अंदर हो रहा है ये भी ध्यान रखेंगे आप बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से आप लोगों का निकल सकता है।
चलिए अगली बात करते हैं, दिल्ली के अंदर हो रहा आपका, और कब कौन सा नंबर का, तो ये 14वें नंबर का। सबसे पहले तो ये कौन सा नंबर का, 14वें नंबर का शिखर सम्मेलन में, शिखर वार्ता का है, तो सम्मेलन का दिन की बात है, सम्मेलन है सीधा पूछे, कौन से नंबर का है, तो 14वें नंबर का ये आपका सम्मेलन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाए, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर, तो कौन आ रहे हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री कसिदा फुमियो, कौन है, किसिदा फुमियो, फुमियो जो प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के पीएम है ये भाई, जापान के पीएम हैं, ये आ रहे हैं कहाँ हमारे पास, नई दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र जो मोदी हैं, पीएम जो नरेंद्र, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने इनको बुलाया है वार्ता के लिए, ये बातचीत करने के लिए, शिखर सम्मेलन करने के लिए, 14वां शिखर सम्मेलन है, इनका ध्यान रखेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, टोक्यो के अंदर हुआ था, टोक्यो की अगर मैं बात करूँ, टोक्यो की राजधानी क्या है, टोक्यो किसकी राजधानी है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, कब हुआ था, 2018 के अंदर हुआ था, बाद में फिर आपका कोविड के चलते ड्यू टू कोविड और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि पिछला जो जापान के साथ शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 2018 में टोक्यो में हुआ था पिछला। गौरतलब है कि 14 जो शिखर सम्मेलन पहली मुलाकात है, किसीदा की पहली मुलाकात है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो किसीदा इनकी क्या है, पहली मुलाकात होगी मोदी साहब के साथ, पहली मुलाकात है, तो मैटर करती रही, पहली मुलाकात है या मीटिंग है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे इसके अंदर, भारत और जापान 2+2 वार्ता का भी आयोजन करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, भारत और जापान जो क्या है, भारत और जापान जो 2+2 जापान 2+2 यानी कि दो दो जो लोग हैं वो मिलकर के वार्ता के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो ये वार्ता भी करते हैं, बाद में जापान ऐसा दूसरा देश है जो भारत के साथ संवाद प्रारूप करता है, चलिए ठीक है, ओके। इसमें चलिए अगर 90 डॉलर का निवेश किया है जापान ने, दिल्ली ने अभी हाल ही में, तो 90 बिलियन डॉलर का निवेश किया है किसने, जापान ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। अमरीकी डॉलर का निवेश किया है, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, जो आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के अंदर इसका क्या किया है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के अंदर 90 बिलियन डॉलर का यहाँ इन्होंने क्या किया है, अपना निवेश किया है। जापान और भारत के परमाणु रिएक्शन तकनीकी आपूर्ति भी करता है ये, जापान को अगर बात करें तो सूर्योदयों का देश के नाम से विश्व जाना जाता है, इसी के ऊपर आपके 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 उसमें क्या गिराए गए थे, बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, देखिए इतनी बड़ी परमाणु के बाद को बम गिराने के बाद भी इसने अपनी अर्थव्यवस्था को आसमान पर लेके गया है। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करते हैं जापान की, थोड़ी सी बात जापान की, तो 11वां सबसे बड़ा जनसंख्या है, सबसे बड़ा 11वें नंबर पर जनसंख्या में है, भारत कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, और हो सकता है भगवान की दया से इस बार हमें मेहनत इसी हिसाब से करते रहे तो पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर लॉकडाउन में 2 ऑस्ट्रेलिया हमने पैदा करे हैं, ठीक है। एक सदनीय सरकार है, एक सदनीय सदन को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, जापान की सदन को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सम्राट कौन है, नारुहितो, सम्राट की अगर हम बात करें, सम्राट नारू जो हितो हैं, नारुहितो क्या है, सम्राट है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, राजधानी मैंने यहाँ पर लिखवा दी। तो तकनीकी साझा करेंगे हम, परमाणु तकनीकी साझा करेंगे, जापान को निवेश करने के लिए हम मतलब एक किस्म से निमंत्रण देंगे, रक्षा पर भी बातचीत होगी, सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका, ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलिए अभी जब बात आ रही है तो अभी हाल ही में ट्रेड्स क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, युद्ध का दौर चल रहा, तो इस क्वेश्चन का जिक्र ना हो ये होना नहीं चाहिए भाई। ट्रेड्स इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट जारी हुई है, क्या अभी आपका ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट आई है, ये क्या है, तो देखिए ट्रेंड्स की बात करें, यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक और हथियारों का सबसे बड़ा जो खरीदार देश है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, जिसे अपने जिसके पड़ोसी बोलते हैं ना, किस्मत से अच्छे मिलते हैं, अगर पड़ोसी अच्छे हों, शांति प्रिय पड़ोसी हो, तो हमें हथियारों की जरूरत ना पड़े। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा आयात करने वाला जो देश है हथियारों का, वो कौन है, भारत है, ठीक
ठीक है, तो खरीदारों उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हथियारों से संबंधित रिपोर्ट है, हथियारों हथियारों की खरीद फरोख्त, खरीद हथियारों की खरीद फरोख से संबंधित रिपोर्ट है भाई आपकी, तो सुनिए अभी किसने जारी करी पहले तो ये, तो सिप्री के द्वारा, किसके द्वारा रिपोर्ट किसने जारी करी है आपके, SPRI के द्वारा रिपोर्ट जारी की, के द्वारा रिपोर्ट आई है, किसने रिपोर्ट जारी करी है तो सिप्री ने करी है। कब 2021 की रिपोर्ट जारी करी है, किस कब की भाई 2021 की रिपोर्ट जारी करी है, इसमें सीधा सा पूछेगी कि आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जारी करी है, नई रिपोर्ट जारी करी है। और इसमें क्या बताया गया अभी 2017 से लेकर के 17 से और 21 तक हथियार आयातक देश, सबसे ज्यादा हथियार लाने वाले देश आयातक जो देश हैं वो कौन से हैं, आयातक देशों की अगर हम बात करें तो देखिए भारत है भाई आपका, भारत है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब, साथ ही बात करें मिस्र भाई आपका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। पांच बड़े देश हैं आपके जो हथियारों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आयात हमारा भारत करता है, क्यों, क्योंकि हमें पड़ोसी देशों से हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा बना। हालांकि अब इस आयात में क्या है, गिरावट आ रही है, क्योंकि जब से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जब से हमारे साइंटिस्टों ने कमान संभाली है, और जैसे ही हमने अपनी तकनीकी को बढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए निर्यातक देशों की बात करें तो यूएसए भी आपका, यूएसए पहले नंबर पर, उसके बाद रूस है, फिर क्यों ना फ्रांस है, और फिर चीन है, और फिर आपका जर्मनी। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, तब बताता हूँ। देखिए ध्यान रखिए, हमने कोई हथियार बनाया, सीधी सी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हथियार बनाया, मान लिया आपने कोई राइफल बना ली, अब वो आपकी राइफल कहाँ पर जाएगी, आपकी राइफल वहां पर जाएगी जहां पर उसको क्या होना चाहिए भाई, जहां पर राइफल जाएगी कहाँ, जहां पर खतरा ज्यादा, जहां पर लड़ाई हो रही है। अब सबसे ज्यादा यूएसए देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन बना रहा है हथियार, यूएसए। अब सबसे ज्यादा चौधरी भी यही बनता जा करके, और इसका काम सिर्फ एक ही है, वहां पे लड़ाई करवा देना, इसे पता है कि तू यहां लड़ाई करवा देगा तो तेरे हथियार बिकेंगे। आप मेरी बात समझ गए, अगर घर में भैंस दूध दे रही है, दूध बेचना है तो पीने के लिए पहलवान चाहिए, ठीक है, तो पहलवान तैयार करने पड़ेंगे तब, तो यहां वही पहलवान वाली बात हो रही है भाई। अगर लड़ाई नहीं करवाएगा तो इसके हथियार कहां से बिकेंगे, और हथियार नहीं बिकेंगे तो पैसा कहां से आएगा, और लड़ाई से दो फायदे, तो क्या इसकी जो वेपन है वो बिक रहे हैं, साथ में क्या इसके तो ये चौधरी बन जाता खाम खा का बाद में जाकर के, अब इसकी चौधराहट देख लो, यूक्रेन का सत्यानाश करवा दिया, और होगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार में तब्दील होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 लोग मिलकर के अगर पूरी दुनिया जो कि 700 करोड़ जनता जो है आपकी, लगभग 700 करोड़ से अगर ऊपर बात करूं मैं जनता है आपकी, तो उस जनता का सत्यानाश करवाने पे तुल जाए तो उन लोगों को ही खत्म कर देना चाहिए ना, जो पूरी शांति को भंग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका रूस आ रहा है, ये भी हथियार वेपन, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं भारत में सबसे ज्यादा आयात कहां से करते हैं हम, तो भारत में सबसे ज्यादा आयात हम यहीं से करते हैं, कहने को तो देखिए देर हमारे को वेपन सबसे ज्यादा, अगर पूछो भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है तो रूस से, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, भारत हथियार सबसे ज्यादा, या भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति कौन करता है, तो आपका रूस करता है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, इजराइल आता है, इजराइल कह सकते हैं हम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन दुनिया में पहले नंबर पर आपका कौन है, यूएसए आपका दुनिया में पहले नंबर पर है, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ये ध्यान रखेंगे। वैश्विक हथियारों के स्थान भी अवधिक तुलना में, चलिए बात करें, देखिए पांच आयातों में विश्व हथियारों का आयात का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 38%, ये पांचों देश कितने भाई 38%, पूरी दुनिया का 38% हथियार आयात करते हैं पांचों देश मिलकर के, याद रखेंगे भाई, और जो शीर्ष पांचों ने आयातों ने विश्व किए, और इसमें पांच निर्यातकों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 77%, और ये कितने प्रतिशत निर्यात करते हैं, दुनिया का 77% हथियार ये निर्यात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और भारत ने 2017 से और 21 तक की जो रिपोर्ट थी आपकी, 2017 से 21 तक की रिपोर्ट में वैश्विक स्तर की अगर मैं बात करूं तो 11% आयात केवल अकेले भारत ने किया है। 11% 2017 से लेकर के 21 तक ये आपका 11% हथियारों का आयात किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 से 16, 17 से 21 सबसे बड़ा आपूर्ति का मैंने बताई दिया है। और इसमें बात करें आयात की मात्रा में 47% कमी आई है रूस से भारत द्वारा आयात की मात्रा में, अभी फिलहाल दो अवधियों के बीच में अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज्यादा रूस से और अभी कमी आई है, तो कितनी 47% कमी आई है ये ध्यान रखेंगे। आयात फ्रांस से भारत की आयात में वृद्धि हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का जो इसराइल में लिख दिया था, माफी चाहूंगा इसराइल पीछे खिसक गया है, रूस के बाद फ्रांस जो आया था जब से हमने राफेल वगैरह लिए हैं, तो फ्रांस दूसरा ऐसा देश है जो भारत को क्या कर रहा है हथियारों की डिलीवरी कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से 47% रूस से कम होकर के हम कहां पर पहुंच गए, फ्रांस की तरफ हमने अपने बढ़ा दिया। वैसे 2012 से 16 तक 21 ऑल ओवर अगर हम बात करें तो भारत में 21% की अब गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हमने कुछ हथियार अभी अपने बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। देखो एक इस मैं फिर एक इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिए ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर की बात करें तो हथियार की खरीद फरोख्त की यहाँ पर बात हो रही है, तो हथियारों की सबसे ज़्यादा जो खरीद करने वाला विश्व के अंदर भारत देश है। भारत के साथ चार और हैं, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है आपका, और आपके पांच देश हैं जिसमें हम आयात मिस्र कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सऊदी अरब, ये सारे देश मिलकर के खरीदते हैं। ये कितने प्रतिशत तक की खरीदारी करते हैं, तो ये अकेले 38% तक की खरीदारी करते हैं। निर्यातक में मैंने पांच रूस, यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मनी की बात करी है, तो निर्यातक वो सबसे बड़े, विश्व के अंदर भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। और भारत को सबसे बड़ी आपूर्ति कौन करता है, रूस करता है, दूसरे नंबर पर कौन करता है, फ्रांस करता है। 47% तक की अभी कमी हुई है, ये ध्यान रखें। अकेला भारत विश्व में कितने प्रतिशत हथियारों का आयात करता, तो 11% हथियारों का आयात करता है, ये भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। और जहां पर हथियारों का आयात निर्यात ज्यादा होगा भाई, वहां पर शांति बन ही नहीं सकती है, ये आप लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन जरूरी भी है भाई, हमें हमारी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, यह हमारे लिए ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें हथियार किसी को डराने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे जो है अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे को हथियारों की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए बाहर देखते सबसे बड़ा आयातक देशों में गिनती हो रही है, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे कि सबसे ज्यादा जो निर्यात करता भारत को हथियारों कौन करता, तो रूस करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन करता था, फ्रांस कर रहा भी, ठीक है। और जब से फ्रांस ने हथियार भेजने शुरू किए तो कौन से कितने प्रतिशत कमी है रूस के साथ, तो 47% जो कमी है वो रूस के साथ वेपन्स की डीलिंग के अंदर कमी आई है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगली बात करते हैं, मेरी पॉलिसी मेरा अभियान क्या है। अभी हाल ही चर्चा में भी आता क्वेश्चन नंबर 7, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान क्या है। ये कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरा अभियान हाथ चलाया गया, कहाँ पर चलाई गई है, तो देखिए सबसे पहले तो बात करें कर्नाटक में इसे चलाया गया है, इसे लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। इसमें है क्या भाई अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा ये भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है, योजना का क्या है आपका हिस्सा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके तहत क्या है उद्देश्य, क्या सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना, उद्देश्य है सभी किसानों को फसलों का बीमा यानी कि अगर फसल खराब होती है तो किसानों को पैसे मिलते हैं, फसलों का बीमा कराने के लिए क्या प्रेरित करना, बीमा कराने के लिए प्रेरित करना, बीमा कराने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है भाई। और किसके तहत काम करेंगे आप लोगों को पता है। इससे होगा क्या, जो कंपनी है
परस जो किसान है उनके बीच में सीधा संवाद होगा। फसल जो आपातकाल के समय जो फसलों का नुकसान होता है वो अगर फसलों का बीमा होता तो कर्नाटक सरकार भी अलग से अपना क्या करेगी, भरपाई करेगी। ध्यान रखेंगे किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना का ही हिस्सा के रूप में, हिस्से के रूप में, यानी कि कुल मिलाकर के किसानों की समृद्धि के लिए कह सकते हैं ये अपना लॉन्च किया गया। अब आती है PMFBY, प्रधानमंत्री जो आपकी फसल बीमा योजना है, PMFBY कह सकते हैं इसको शॉर्टकट में। इसे कब शुरू किया गया था, तो 13 जनवरी 2016 को इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, पीएम द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे पहले इसमें क्या थे, इसमें लगभग 36 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। 36 करोड़ किसान क्या है इस योजना से जुड़ चुके हैं। आरंभ में क्या था भाई, आरंभ में मतलब फसल का जो बीमा कराते थे उन्हें ही क्या मिलता था, जो फसल नष्ट होने पर, जो प्राकृतिक रूप से फसल नष्ट होने पर क्या मिलता था, पैसा मिलता था किसानों को, जो कि लोन की कह सकते एक ऑप्शन है, लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पैसा मिल गया तो फिर लोन क्यों लेगा किसान भी, किसान को मजबूत करने के लिए, ठीक है। अब 2020 के बाद इसे क्या कर दिया, सब लोगों को शामिल कर दिया गया, स्वेच्छा से, अनिवार्य था। लेकिन 2020 के बाद इसमें क्या कर दिया, पहले क्या था फसल पैसा उसे ही मिलेगा, अनिवार्य रूप से लागू था आपका क्या भाई, आपका जो बीमा था वो अनिवार्य रूप से। लेकिन 2020 में अब इसे स्वेच्छा कर दिया, स्वेच्छा यानी कि पहले क्या था कि जो बीमा कराएगा उसे ही पैसा मिलेगा, लेकिन अब 2020 के बाद जो बीमा नहीं कराएगा उसको भी पैसा दिया जाएगा। 36 करोड़ जो किसान है वो इसके जुड़ चुके हैं। साथ ही बात करूं 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा दिया जा चुका, 1,00,000 जो CR है करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका, अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आप लोगों का शानदार है। प्रधानमंत्री जो किसान योजना की बात करें तो 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई भी। पहले इसमें क्या किया गया था कि जो प्राकृतिक रूप से जो फसल, जैसे भाई ओलावृष्टि है आपकी, अति बारिश है, सूखा है, बाढ़ है, इनकी वजह से अगर कुछ होता है तो किसान को फसल का बीमा दिया जाता, अगर फसल का बीमा करा रखा है अनिवार्य था। लेकिन 2020 के बाद उसे क्या कर दिया, फसल का बीमा नहीं है तो भी किसानों को दिया जाएगा। उसी के तर्ज पर मेरी पॉलिसी कर्नाटक ने स्टार्ट किया, उसी के एक हिस्से के रूप में ये ऐसा किया किसने, कर्नाटक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला आपका, ध्यान रखेंगे इसको भी, इसके आगे चल के आपको काम आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भैया आपका ये। चलिए रूस यूक्रेन जो वार हो रहा है, रूस यूक्रेन वार सेमीकंडक्टर आपूर्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है, वार जो है सेमीकंडक्टर जो है की आपूर्ति को कैसे प्रभावित कर रहा है। ध्यान रखेंगे प्रभावित कर रहा पूछ लेगा, तो ध्यान रखना भी इसमें भी। देखिए रूस गैस को लेकर भी, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के भी आपूर्ति करता है, तो बहुत सी चीजें प्रभावित, तो बहुत सी चीजें हो रही हैं रूस और यूक्रेन के वार से। लेकिन वैश्विक सेमीकंडक्टर जो चिप आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भी ये नुकसान दे रहा है, किसमें भाई, चिप जो आपूर्ति जो श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला में भी क्या हो रहा है, श्रृंखला में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या, यूक्रेन नियोन गैस दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यूक्रेन आपका क्या, कौन सी गैस भाई आपकी, नियोन जो गैस है उसका क्या करता है, निर्यात करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसका उपयोग किस में होता है, चिप बनाने की प्रक्रिया में, चिप बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, इसका उपयोग होता है, इसलिए ये प्रभावित हो रहा है, ठीक है भाई। तो नियोन गैस नहीं मिलेगी तो चिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं रूस में प्लेडियम का, दुनिया का सबसे बड़ा रूस की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, रूस प्लेडियम का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक, प्लेडियम सबसे ज्यादा कौन, तो रूस निर्यात करता भी। अब दोनों देश क्या है भी, दोनों का काम क्या, चिप, और चिप के बिना अब जीवन असंभव है, ध्यान रखना इस बात का। या सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करें तो उनके बिना, तो इसका तो इस प्रक्रिया के अंदर चिप बनाने की प्रक्रिया में नियोन गैस का, और साथ ही प्लेडियम जो है ये भी चिप बनाने में चाहिए, तो ये निर्यातक, ये भी इसकी आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार सेमी जो है लेकिन जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसका भारी मतलब क्या आपूर्ति होने पर, तो भारी कमी हो रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, समस्या हो रखी है। लेकिन अमेरिका और कनेडियम, अमेरिका अब इसका एक
यूएसए और जो आपका यूके है, यूएसए और यूके प्लेडियम ये भी आपका पैदा करते हैं। प्लेडियम अभी इन्होंने बोला कि प्लेडियम हम आपको आपूर्ति करेंगे, विश्व को आपूर्ति करेंगे। ये और नियॉन क्लोरीन और क्लोरीन अदर गैस रिप्लेस किया जा सकता है। नियॉन को किसे, तो आपका कैलोरीन, कैलोरीन और फेलोरीन, फेलोरीन गैसों से रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखो, लड़ रहे थे दोनों, अच्छा कमा के खा रहे थे, वो नियॉन गैस भेज रहा था, ये कैलोरियम भेज रहा था, दोनों मिलकर के चिप बन रही थी, पूरी दुनिया के अंदर भेज रहे थे। अब जैसे युद्ध हुआ, आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो दुनिया तो चलेगी भाई, दुनिया चलेगी, तो यूएसए ने और कह सकते हैं आपका ब्रिटेन ने क्लोरीन भेजना शुरू कर दिया। और साथ ही साइंटिस्टों ने बोला भाई जो नियॉन है, नियॉन की जगह पे क्लोरीन और आपका कैलोरियन और फेलोरियन गैस का इस्तेमाल करें, और ताकि काम दुनिया का चल सके। मतलब रिप्लेस पूछ लेगा कि नियॉन, देखिए युद्ध के दौरान पूछ लेगा कौन सी गैस को रिप्लेस कर दिया गया था, तो नियॉन को रिप्लेस करके फेलोरिन और कैलोरिन यहाँ पर लगा दिया गया था। साथ ही ये पूछ लेगा कि रूस के पेलोडियम की जगह किस देश ने, किन किन देशों ने इसकी आपूर्ति करी, तो आपका अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ पर पेलोडियम होता है, उन्होंने इसकी क्या करी है, आपूर्ति करी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहेगा भाई, ठीक है। चलो एक बार इसको रफ करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। युद्ध के तो बहुत लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक इसके प्रभाव चलते रहेंगे और देखने को मिलेंगे भाई आप लोगों को इसके प्रभाव। आज 24वां दिन है, जनता तराही तराही कर रही वहां की, और दो लोगों के बीच में ठनी हुई है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है, ये आप लोग बेहतरीन तरीके से जान ले। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, क्वेश्चन नंबर 9 है, विवेक अग्निहोत्री कौन है, विवेक अग्निहोत्री होत्री कौन है जो चर्चा में है, विवेक अग्निहोत्री बोलते ही समझ लोगे। अभी हाल में आपकी एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, और उसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार किया है, महिलाओं का जो यौन शोषण किया गया था, किस प्रकार से उन्हें अपने खेत घर बार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके वहां से भागना पड़ा था, वो एक कह सकते हैं फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया, और किस प्रकार से उन घटनाओं को दबाया गया था, वो सारी की सारी बातें अभी इस फिल्म में इन्होंने दिखा दी है। तो भारी, बड़ा भारी मुद्दा मचा हुआ है भाई, बड़ा बावल मचा हुआ इस चीज को लेकर के। पिछले दिनों से शुरू में ये फिल्म निर्देशक है भाई, क्या है आपके फिल्म निर्देशक हैं, सीधा सा कुछ भी लोग अग्निहोत्री कौन है, फिल्म निर्देशक हैं, ठीक है, और इनकी फिल्म है द कश्मीर फाइल रिलीज हुई है, द कश्मीर जो फाइल है, फाइल्स रिलीज हुई है, जिसने बड़ी गर्मी पकड़ रखी है, बहुत गर्मी पकड़ रखी है, और उन लोगों को सर्दी चढ़ी हुई है जिन्होंने इन घटनाओं को दबाया था, या कहीं जिन लोगों ने इन घटनाओं को लोगों के सामने तक न्याय नहीं मिला। यह फिल्म कब 11 मार्च को आपकी 2022 को रिलीज हुई है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटों ने इन्हें टैक्स फ्री कर दिया। रिलीज कब हुई है, रिलीज हुई है आपकी, रिलीज के बात करें तो 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है, और 15 करोड़ रुपए में बनी थी, 15 करोड़ में, और एक हफ्ते में इसने कितने 100 करोड़ रुपए कमाए भाई, 100 करोड़ रुपए का काम कर चुकी है, बिजनेस कर चुकी है, ठीक है, ओके। इसके अंदर अनुपम खेर विष्णु चक्रवर्ती कलाकार हैं, और है क्या, 1990 में कश्मीर घाटी में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की घटनाएं हैं भाई, इसके अंदर जो सच्ची घटनाएं हैं, फिल्म दिखाने वाले बोल रहे हैं कि ये सच्ची घटनाएं हैं, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि प्रेप गंडा है दूसरे समाज को भड़काने का,
लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। लोग रो रहे हैं इस फिल्म को देख करके जिनके साथ ये बातें हुई हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं आपकी, मतलब ये कि जो 10 वर्ष से कम वर्ष तक की जो बच्चियों को उन्होंने वहाँ रख लिया और माँ बाप को पीट पीट करके जे एंड के से बाहर भागने पर लोगों ने अपने खड़े हुए जो बागों के बागान थे, सेबों के बाग थे, और भी बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ थी, बिल्डिंगें थी, वो छोड़ने पर मजबूर है 1990 में। और गवर्नमेंट ने उस समय अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा करके रखा, ये ध्यान रखेंगे। 1990 में नरसंहार पर आधारित अत्याचार या नरसंहार, नरसंहार और लोगों को घर छोड़ने पर आंकड़ा दूंगा, आपके पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। देखिए 1990 पर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर घाटी से। देखिए जब हत्या हुई पंडितों की, क्या हुई, कश्मीरी जो पंडित हैं उनकी हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, और उस समय इन सब चीजों से तंग आकर के आपके कितने 1,40,000 जो कश्मीरी पंडित हैं, पंडितों ने घर बार छोड़ दिया अपना देश। बहुत बड़ी विडंबना, इतने लोग अपने ही देश में लोग शरणार्थी बनकर के रह गए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है भाई। जिस देश और मिट्टी के लिए जिन लोग जन्म लिया और अपने मातृभूमि से इतना प्रेम करते थे, उन लोगों को अपने घर बार और बच्चों तक उनके छीन लिए गए, इससे बड़ी घटना कुछ हो ही नहीं सकती है। ध्यान रखेंगे भाई, इस फिल्म के अनुसार भाई गृह मंत्रालय ने 218 कह सकते हैं, गृह मंत्रालय के अनुसार उस समय जो गृह मंत्रालय था, गृह मंत्रालय ने बोला था 1991 के बीच में केवल 218 जो कश्मीरी पंडित मारे गए। कश्मीरी जो पंडित हैं कितने मारे गए पंडित, 218 मारे गए। और इस दौरान महिलाओं का यौन शोषण भी हुआ भाई, महिलाओं का यौन शोषण किया गया, महिलाओं का यौन शोषण हुआ भाई। सीधा बोलते थे घाटी छोड़ो बेटी, बेटी छोड़ो घाटी छोड़ो, कश्मीरी पंडितों बेटी छोड़ो घाटी छोड़ो और बाहर जाओ, ये तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को क्या क्या प्रदर्शित किया है, और इसलिए क्या चर्चा में है भाई, अभी लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, पूर्ण लोगों का चेहरा सामने आएगा जिन लोगों ने इतने बड़े घटनाक्रम को क्या कर दिया, दबा दिया, इतने बड़े घटनाक्रम को इन्होंने दबा दिया, या ये कहें उसको सामने नहीं आने दिया, क्या हुआ होगा उन लोगों पर। आप देखिए जो रात को सोएंगे सुबह पता लगा तुम्हारी बहन बेटियां छीन ली गई हैं और तुम्हें बोला तुम जाओ भाई। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए मैंने बड़े नज़दीक से भाई कश्मीर को भी देखा है, क्योंकि आप लोग जो मेरे को जानते हैं बेसिक रूप से जानते हैं, उन्हें पता है कि 18 साल मैं भी सेना के अंदर रह के आया हूँ, और हमारे साथ सेना में भी कश्मीर के लोग थे, उनके उनमें देश प्रेम की भी भावना बहुत थी, ऐसी बात नहीं थी, और पंडित लोग भी थे और मुस्लिम लोग भी थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर अपने बेनिफिट के लिए बहुत बड़ा समाज के अंदर एक खाई कर देते हैं या नुकसान कर देते हैं समाज का, जो कि आने वाली काफ़ी सालों तक वो खाई भरी नहीं जाती भाई, ठीक है। तो ये भी विवेक अग्निहोत्री ने यहाँ पर बात की। अब देखो कश्मीर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहली शताब्दी में यहाँ पर भाई जो पहली शताब्दी थी, यहाँ पर हिंदू और बौद्धों का क्या था भाई, हिंदू और बौद्धों का शासन था, ये कह सकते बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे, ठीक है भाई। पहले उसके बाद 9वीं शताब्दी में शैववाद का उदय, 9वीं शताब्दी में यहाँ पर किसका, तो शैववाद का क्या हुआ भाई, उदय हुआ कहाँ पर आपका, उदय हुआ जे एंड के अंदर, ठीक है भाई, 9वीं शताब्दी में। उसके बाद बात करें 1339 में शाह मीर कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने, शाह मीर जो कहाँ के, जे एंड के पहले मुस्लिम शासक बने। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाए, पहला मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है, शाहमीर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भाई आपका, ये आपका 1586 से लेकर के जब 26वें मुगल आए, 1751 तक मुगलों साम्राज्य का हिस्सा रहा भाई, ठीक है। उसके बाद आपका 1820 तक अगर हम कहें तो दुर्रानी 1820 तक अफगान दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1886 से 57 तक इसका मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा। उसके बाद 57 से लेकर के 20 तक अफगानी दुर्रानी का ये रहा भाई। साथ ही उसके बाद 1846 में
प्रथम आंगल विश्व युद्ध हुआ 1846 में, प्रथम आंगल जो युद्ध हुआ था, आंगल युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, सिखों के साथ हुआ था, सिख हार गए, यहाँ कहीं ना कहीं सिखों का शासन भी था भाई। सिख हारने के बाद इसको गुलाब सिंह जो राजा थे, राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से इसे खरीद लिया तब 1946 में और एक हिंदू शासन की स्थापना कर दी। देखो इतिहास देखिए, पहले यहाँ पर हिंदू और बौद्ध लोग रहते थे, उसके बाद 9वीं शताब्दी में शैववाद का उदय हुआ, 1349 में शाह मीर कश्मीर जेड के पहले मुस्लिम शासक बने, 1586 में 1757 तक 1587 तक मुगल साम्राज्य का अधीन रहा, 1757 से 1820 तक अफगान दुर्रानी साम्राज्य का अधीन रहा, 1840 में अंग्रेजों ने इसको जीत लिया और अंग्रेजों से किसने, गुलाब सिंह राजा ने खरीद लिया। और अंतिम जो हिंदू राजा थे वो कौन से राजा, हरि सिंह थे। अंतिम राजा की बात करें तो हरि सिंह थे। हरि सिंह हालांकि स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे लेकिन मजबूरी होगी जब 1947 के बाद पाकिस्तान 1947 के बाद जब पाकिस्तान और कारगिल सेना ने हमला किया तो भारत के अंदर इसने क्या कर दिया, विलय कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात जेएंडके की करता हूँ तो पहले क्या था, जो पीर पंजाल और शरण कोट वगैरह का जो हिस्सा था वही जो कश्मीर घाटी के अंदर आता था, लेकिन अगर आज मैं जेएंडके की बात करता हूँ तो आज ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों। ध्यान रखिए, जब हमारे मोटा भाई कह सकते हैं, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात बोली थी, आज अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो उसके अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आपका अक्साई चीन के अंदर जो हिस्सा हमारा कश्मीर का पूरा जो हमारा हिस्सा किसके अंदर आता है, जेएंडके के अंडर आता है, ठीक है। उसी जेएंडके की मैंने यहां पर बात करी, जेएंडके के गठन के अगर हम बात कर लेते हैं तो 1956 में गठन हुआ था, साथ ही हम इसके विघटन की बात कर लेते हैं, 2019 में इसका विघटन हुआ और इसे यूटी बना दिया, धारा 370 खत्म कर दी गई जिसका कि संबंध 35 अल्फा से था उसको खत्म कर दिया, आज ये यूटी है, जेएंडके अलग यूटी है और आपका लद्दाख अलग यूटी है, ठीक है भाई। और साथ ही हम बात करें वर्तमान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या बैठा हुआ, आपका प्रीसमेन कमीशन बैठा हुआ। प्रीसमेन कमीशन आपका कब, 2020 जुलाई 2020 के अंदर यहां पर प्रीसमेन कमीशन भेज दिया गया था, क्योंकि यहां पर सीटों विधानसभा के सीटों का क्या करना था, निर्धारण करना था, संभावना जताई जा रही है 6 से 7 विधानसभा सीटें क्या यहां पर बढ़ने वाली है भाई, क्या 6 से 7 विधानसभा सीटें यहां पर बढ़ने वाली हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। और 2 बार कार्यकाल परिसमन का क्या पर ट्रेंड किया गया, अब 6 मई 2022 तक वहां पर आपका कब तक परिसमन रहेगा, 6 मई 2022 तक आपका वहां पर रहने वाला है, यहां पर जैन गई बहुत ही सुंदर स्थल जिसको कि नरक बना दिया कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए, कुछ लोगों ने अपने राज करने, अपने व्यक्तिगत जो अपने लाभों को पूरा करने के लिए यहां इस जिंदगी को जहन्नुम बना करके रख दिया, एक जन्नत जैसी जगह को आज उन लोगों को भगवान करे उसी तरीके की सजा दे जिस तरीके से उन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ा है। मेरी तो यही दुआ है कि ये वीरों का नहीं होते थे जिन्होंने जयंती के ऊपर बात करी भाई, जिन्होंने जयंती के ऊपर फिल्म बनाई है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहने वाला। अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार, एक ऐसे ही शख्सियत का क्वेश्चन है जिसको सुनकर के आप लोग बड़े हैरान होंगे, एक बंदा कहां से कहां पहुंचता है, कैसे अपनी मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर पहुंचता है। भगवत मान चर्चा में रहे हैं हम, यहां पर इनकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का भाई, भगवंत मान कौन की जीवनी या कौन है चर्चा में भगवंत मान। देखिए 16 मार्च 2022 को पंजाब के नए सीएम बने गए, 16 मार्च 2022 को एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके 92 सीटें 117 में से हासिल करके जो आम आदमी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी आपकी सप्त ली है, उन्होंने पंजाब के नए सीएम के रूप में सप्त ली है, 17वें सीएम पंजाब के कौन से सीएम है, 17वें आम आदमी पार्टी, कौन सी भाई, आम आदमी पार्टी से इन्हें सीएम बनाया गया, 17वें नंबर के पंजाब के सीएम बने हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भगवंत मान संगरूर से लोकसभा के सांसद थे, कहां से, संगरूर से लोकसभा के सांसद थे, ध्यान रखेंगे। और इनके जन्म की अगर बात करूं तो 17 अक्टूबर 1973 में इनका जन्म हुआ था, 17 अक्टूबर 1973 में जन्म हुआ था। कैरियर की शुरुआत कॉमेडियन से की थी, कॉमेडियन थे भाई, ये करियर की शुरुआत की। 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हुए, 2011 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हुए, ध्यान रखेंगे। लहरा विधानसभा चुनाव लड़ा परंतु हार गए, कहां से, लहरा से विधानसभा चुनाव हारे हुए, विधानसभा चुनाव कहां से, लहरा से हारे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2019 से संगरूर से एमपी का इलेक्शन जीता और 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके उन्होंने अपनी क्या करी, आम आदमी पार्टी को दूसरे स्टेट में, देखिए दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति,
एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के अंदर क्रांति लाना चाह रहा है, उस व्यक्ति ने अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े जो आपके कह सकते हैं जो धुरंधर नेताओं को धूल चटाते हुए, देखिए राजनीति में टीका टिप्पणी की अगर मैं बात नहीं करूं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे श्रीमान केजरीवाल साहब की, जिन्होंने जड़ें जहां तक 3 से 4 बार मेरे ख्याल में आपकी जो शीला दीक्षित थी सीएम थी उस समय उन्हें धूल चटाई, उसके बाद लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर के अंदर फिर भी वो वहां धूल चटा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है वहां पर राज कर रहे हैं किस्म से, और अगला जो स्टेप उनका निकल करके आया पंजाब के लिए, गोवा में भी कोशिश करी, पंजाब के अंदर उन्होंने भगवत मान को सीएम के रूप में सब दिला दी है। आपके मत पर अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए 49 साल की आयु में 49 वर्ष या 50 वर्ष की आयु में आपके जो भगवंत मान है उन्हें सीएम 92 सीटें आम आदमी पार्टी से जीत करके, कॉमेडियन था व्यक्ति और आज सीएम की कुर्सी पर है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सीधा सा पूछा जाए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद कहाँ पर चुनाव जीता, तो आपका पंजाब के अंदर 92 सीटों के साथ ये वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना दी है। चलिए दोस्तों उज्ज्वल परिवार की तरफ से मेरी तरफ से जो त्यौहार आपका जा रहा है उस होली जो गई है, लेकिन हम बात करते हैं अभी कल एक और त्यौहार हरियाणा का प्रसिद्ध त्यौहार जिसको बछौड़ा के नाम से जानते हैं, जैसे सोमवार की सुबह आता है आज संडे है आपको पता ही है, और हमारी जो क्लास है एज ऑन 19 मार्च की हम बात करते हैं, वैसे आज 20 मार्च की अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा विश्व हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में भी 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको मेरी तरफ से हरियाणा में देशी भाषा बछौड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, होली आप लोगों की अच्छी गई होगी और भगवान करे अगली होली पर और अगले बछौड़ा पर आपके सारे वो जो सपने वो पूरे हों। मेरी तरफ से थैंक यू, जय हिंद जय भारत। लास्ट रिक्वेस्ट है आप प्यार दिखाइए, ठीक है, बहुत जल्द हम अपने अपने तरीके से आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे, आप क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।